चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ग्रेजुएट और इंग्लैंड अमेरिका से भी मैंने कोर्स किए हैं और नोएडा विधानसभा से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे तभी सुधार हो पाएगा, नहीं तो जो, क्योंकि हमारा वो भ्रष्टाचार भगाना है, अपराध को मिटाना है और देश को समृद्ध बनाना है। हमारे साथ हमारे प्रोफेशन के भी लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, हम उनसे चाहेंगे कि क्या रखें, कैसे राजनीति में आने चाहिए और नोएडा में ध्रुव अग्रवाल को आप किस तरह समर्थन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं लोकनाथ गिरी जनपद उन्नाव को बिलोंग करता हूँ और सेटलमेंट इसमें वर्तमान में लखनऊ है। मैंने बीएससी एमए एलएलबी एमबीए किया हुआ है और मैं यहाँ पर वकालत करता हूँ, एडमिटेंट और पुलिस अधिकारी से रिटायरमेंट हूँ। हमारे अग्रवाल जी ने अभी अपना वक्तव्य दिया है, हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि समाज में, राजनीति में पढ़े लिखे लोग जितने ये आए उतना ही ज़्यादा अच्छा है कि समाज का भ्रष्टाचार मिटे, सबको संविधान के अनुसार सर्विस मिले, उनका योगदान रहे राष्ट्र निर्माण में, यही मेरी आशा है। मैं अग्रवाल जी को पुनः बधाई देता हूँ कि वो सफल हो इस काम में। आप बोलिए। मैं ओम प्रकाश गिरी, रहने वाला मऊ जिला का हूँ। मैं निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, वहाँ जनप्रतिनिधि रहा हूँ वहाँ। आज अग्रवाल जी की बातों को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जो अग्रवाल जी ने अपनी बातों में कहा कि पढ़े लिखे लोग चाहे जिस क्षेत्र में रहेंगे, राजनीति में हों, मीडिया के क्षेत्र में हों, व्यापार में हों, जहाँ रहेंगे वहाँ अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो पढ़ा लिखा होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं अग्रवाल जी की बातों का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अग्रवाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मीडिया के लोगों को। हाँ हाँ।